अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आप ये डायमंड पेंटिंग बनते हुए देखेंगे। ये डायमंड पेंटिंग आशी खाला ने हमें अमेरिका से भेजी है। ये एक कैनवस है जिस पर एक खूबसूरत सी सीनरी बनी हुई है। इस पर कुछ नंबर्स और अल्फाबेट्स भी नजर आ रहे हैं और ये हैं इसके साथ दिए हुए डिफरेंट कलर्स के डायमंड्स। और इस पैकेट में कुछ टूल्स भी हैं। ये एक पेंसिल लाइक टूल है जिससे हम डायमंड्स कैनवस पर लगाएंगे और ये एक छोटी सी प्लास्टिक की ट्रे है जिसपे हम डायमंड्स को निकालेंगे। ये कुछ जिपलॉक बैग्स हैं और ये छोटी सी वैक्स की स्ट्रिप। ये एक रबर की ग्रिप है जो हम इस पेंसिल लाइक टूल पर लगाएंगे ताकि हम इस पेंसिल लाइक टूल को इजीली ग्रिप में ले सकें। तो ये ग्रिप लगाने के बाद हमारा पेंसिल लाइक टूल कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब हमने इन डायमंड्स को जिप लॉक बैग्स में डाल दिया है और इनके नंबर्स भी इन जिप लॉक बैग्स पर लिख दिए हैं। कुछ कलर के डायमंड्स अभी भी इस स्ट्रिप में मौजूद हैं, जो बाद में हम इन जिप लॉक बैग्स में निकाल लेंगे। इस पेंटिंग में 27 कलर्स के डायमंड्स लगेंगे। ये देखें, ये इनके सिंबल्स और नंबर्स लिखे हुए हैं। इस की को फॉलो करते हुए हम ये डायमंड्स इस कैनवस पर लगाएंगे। ये देखें, जैसे ये 2 नंबर्स के डायमंड्स हैं और जहां जहां 2 नंबर लिखा होगा हम वहां वहां ये 2 नंबर के डायमंड्स लगाते जाएंगे। और ये है नंबर 9 के डायमंड्स और इनका कलर चेंज है। जहां जहां 9 लिखा होगा वहां वहां हम ये कलर लगाएंगे। हर नंबर के कलर डिफरेंट हैं और वो कलर्स इस की में भी शो हो रहे हैं। इस पेंटिंग का साइज 30x40 सेंटीमीटर है। चलें हम सबसे पहले 2 नंबर के डायमंड निकालते हैं। इन डायमंड्स की एक साइड प्लेन है और दूसरी साइड गोल। अब ये वैक्स की स्ट्रिप लेते हैं और इस पर लगी हुई शीट को थोड़ा सा उतारते हैं। अब इस पेंसिल लाइक टूल की निब को इस वैक्स स्ट्रिप में प्रेस करना है ताकि ये वैक्स इस निब के अंदर आ जाए। और जब हम इस टूल से डायमंड को पिक करें तो डायमंड इस निब के साथ स्टिक हो जाए। अब ये देखें कि हमने किस तरह इस डायमंड को पिक करना है। डायमंड्स की गोल वाली साइड निब के साथ स्टिक होनी चाहिए और इस तरह एक एक डायमंड को पिक करके कैनवस पर लगाना है। कैनवस पर एक प्लास्टिक की शीट भी लगी है। डायमंड लगाते वक्त उस शीट को हटा लेना है। ये देखें, इस तरह हमने डायमंड की राउंड साइड को निब के साथ स्टिक करना है। कैनवस पर इस तरह से स्टिक करना है। कैनवस पर पहले से स्टिकिंग मटेरियल लगा हुआ है। हमने बस ये करना है कि एक एक डायमंड को पिक करना है और उसको कैनवस पर स्टिक करना है। और इस बात का खास ख्याल रखना है कि जिस नंबर का डायमंड है उसे उसी नंबर पर स्टिक करना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग काम है और मुझे इस काम को करते हुए बहुत मजा आ रहा है। इस पेंटिंग में 27 कलर्स के डायमंड्स यूज होंगे और हर कलर ही प्यारा है। हमने कल से इस पेंटिंग को बनाना स्टार्ट किया है और कुछ कलर्स के डायमंड्स हम लगा चुके हैं और बहुत से कलर्स के डायमंड्स अभी लगाना बाकी हैं। अब देखना ये है कि हमें ये पेंटिंग बनाते हुए कितना टाइम लगेगा।
लेकिन एक बात मैं फिर से कहूंगी कि इसे बनाते हुए बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू आशी खाला फॉर दिस लवली गिफ्ट। हम जल्द ही इस पेंटिंग को कंप्लीट करके फ्रेम करवाएंगे और जब भी इस पेंटिंग को देखेंगे हम आपको याद करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सबको भी ये डायमंड पेंटिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।